नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी आप देख सकते हैं मैं साड़ी में ही हूँ। अभी जो है मैं स्कूल से अभी घर पर आ ही चुकी हूँ। सो अभी लगभग जो है 3 बजने वाले हैं और अभी जो है मैं स्कूल से आई हूँ, क्योंकि आज सैटरडे के दिन हमारे स्कूल जो है 11 बजे से 3 बजे तक रहती है। सो अभी जो मैं फिलहाल स्कूल से आई हूँ, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया है। सो आज जो हमारे स्कूल में बच्चों के पेपर थे, इसलिए जो और भी थोड़ा देर हो गया, क्योंकि जो 9-10 के बच्चे थे उनका तो 2 घंटे का ही पेपर था। जो 8 के बच्चे हैं उनके जो है 3 घंटे का पेपर था, तो उनमें से कुछ बॉयज़ रह गए थे और कुछ गर्ल्स रह गई थी पेपर लिख रहे थे, तो इसलिए जो हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। तो उनके पेपर लेने के बाद उनके पेपर को अच्छे से नंबर से लगाने के बाद जो है लॉकर में रखकर जो अभी हम घर पर आ चुके हैं। और अभी जो है मुझे मार्केट जाना है, मेरे पेन ड्राइव में मुझे जो है एंटीवायरस डालना है और साथ ही साथ जो है कुछ सामान है मुझे मार्केट से लेना है, मतलब फेस वॉश हो गया और भी कुछ सामान, मॉइस्चराइजर वगैरह, सो मुझे लेना है मार्केट से। तो आज जो है हम मार्केट में जाने वाले, तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो इसके पहले आज का ब्लॉग मैं शुरू करूँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया अभी मैं स्कूल से आई हूँ, तो हमारे सैटरडे के दिन जो है व्हाइट साड़ी रहती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी सामने मैंने जो है मेरी बैग भी रखी हुई है, ये देखिए मेरी बैग यहाँ पर आपको रखी हुई है। सो चलिए आज के ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। दादा एंटीवायरस है का? मला पेन ड्राइव मध्ये मारायचं होतं। सो अभी भैया तो बोल रहे उनके पास है करके, तो अभी चलिए देखते हैं, पेन ड्राइव उन्हें दे देते हैं। अरे ये क्या हुआ, पेन ड्राइव के साथ कनेक्टर भी चला गया। जो मोबाइल को कनेक्ट करके मैं वीडियो डालती वो भी कनेक्टर चला गया। सो अभी भैया ने पेन ड्राइव जो है अटैच कर दिया। अभी भैया जो है चेक कर रहे हैं मेरे पेन ड्राइव को, आगे वायरस है या क्या है, किस वजह से जो है मेरा पेन ड्राइव वर्क नहीं कर रहा है। सो ये देखिए बाहर से कितनी गाड़ियों की आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, तो अभी पीछे से एक गाड़ी गई थी मेरे। सो या देखिए भैया तो बोल रहे हैं कि उसमें अभी करप्ट हो चुके फाइल, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। सो चलिए अभी चलते हैं, बाद में आते हैं, भैया ने बोला है बाद में आकर लेके जाओ करके, तो अभी बाहर चले जाते हैं। आप मेरे पीछे वो दुकान देख रहे होगी, उस वाले इसमें जब मैं पेन ड्राइव को सही करवाने के लिए गई थी। ये देखिए यहाँ पर रोड साइड से आपको जो है स्टडी टेबल देखेंगे। आज जो है हमारे बच्चों को भी देखा होगा, दोनों साइड से जो है स्टडी टेबल रखे हुए थे। सो यहाँ पर देखिए मुझे जो व्हाइट वाला चाहिए था तो इनके पास नहीं है, तो मैं देखते हुए जा रही थी। तो चलिए अभी रास्ते से आगे चलते हैं कंटिन्यू। ये देखिए हमारा दारवे का नज़ारा शाम के समय का। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे दारवे का नज़ारा रात के समय, पूरी लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ से, गाड़ियाँ चालू है। अभी 6 बजे के 7 बजकर जा चुके हैं अभी। अभी मैं जो है रेनू का शॉप पहुंच चुकी है, जहाँ पर से मुझे सामान लेना था फेस वॉश। तो देखिए यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ। सो अभी यहाँ पर जो है 75 रुपये वाला, यानी कि छोटा शाशा है, बड़ा शाशा यहाँ पर नहीं है। सो अभी जो है यहाँ पर हमें तो मिल नहीं रहा है, तो अभी चलिए अभी हम चलते हैं और दूसरी दुकान पर देखते हैं कि हमें मिल पाता है या नहीं। सो बड़ा शाशा चाहिए था, तो अभी जो मैंने बहुत सी दुकान देखी तो मिला नहीं। तो अभी ये बस स्टॉप था, ब्लैक दिखने रहा। और देखिए सामने से कितना प्यारा ऑटो आ रहा है, पूरी तरह से उसे लाइटिंग की हुई है, कितनी अच्छी अच्छी लाइटिंग की हुई इस ऑटो को। कौन सा है मॉइस्चराइजर पाहिजे होता? कौन सा मॉइस्चराइजर? आणि बाहर गेले। जैसे ही मैं जनरल स्टोर पर पहुंची तो वो अंकल जो है बाहर गए थे चाय पीने के लिए। तो चलिए अभी हम जो है यहाँ पर रुकते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, देखते हैं अंकल कब आते हैं और हम जो है सामान हमें मिलता है या नहीं। देखिए सो ये देखिए पूरी दुकान यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सामान है इस दुकान में। सो अभी मैं आप मेरे पीछे देख सकते कुछ सामान है, कुछ आगे है जो आप लोग अभी आपको मैं फ्रंट कैमरे से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कैमरे को सॉरी मूड कर देती हूँ। सो ये देखिए सारा सामान है, तो मुझे तो लग रहा है कि सामान यहाँ पर मिल जाएगा, तो अभी इंतज़ार करते हैं। सो इंतज़ार ख़त्म हुआ, अंकल जी जो है आ चुके हैं। तो उन्होंने को मैंने जो है सबसे पहले सनस्क्रीन पूछी, तो उन्होंने जो है लैक्मे की मुझे पहले सनस्क्रीन बताई, तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वो वाली। देन जो है मैंने उनको निविया की सनस्क्रीन पूछी, तो उनके पास वो नहीं थी। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ 2 ही सनस्क्रीन मिलेंगी, एक तो जॉय की या फिर आयुर्द की और लैक्मे की, और बाकी की मतलब कंपनी प्रोडक्ट की आपको नहीं मिलती है। सो मैं बेसिकली आप लोगों को ऑनलाइन ही बुलाना पड़ेगा, तो मुझे भी अभी शायद ऑनलाइन ही बुलाना पड़ेगा। सो अभी चलिए मॉइस्चराइजर देख लेते हैं इसके, अपने चेहरे के लिए, स्किन के लिए तो मैंने ले लिया, दिवाली में आप लोगों ने देखा ही होगा। सो अभी दिखाया अंकल ने मुझे मॉइस्चराइजर और ये क्रीम। सो ये पॉन्ड्स की क्रीम है। सो अभी छोटा शैशे है जो कि 45 का है शायद। सो ये शैशे है, तो अभी मुझे मेरे पास जब इससे भी छोटा है तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो ये देखिए पूरा सामान आप यहाँ देख सकते हैं, अंकल के पास सारा सामान आपको मिल जाएगा। ये जो हमारे बस स्टॉप की तरफ से और जो आगे स्कूल की तरफ जाती है रोड, उसी तरफ ये शॉप। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो है दारवे में, यहाँ पर अभी रोड का बांधकाम शुरू है, तो रस्ते का सॉरी, तो इस वजह से लाइट भी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा है। अगर मैं फ्रंट कैमरा से लेने जा रही वीडियो तो दिख नहीं पा रही, ब्लैक ब्लैक हो रही है, इसीलिए मैं बैक कैमरा से सारे वीडियो अभी ले पा रही हूँ रात के समय, क्योंकि यहाँ पर जो अभी लाइटिंग का काम नहीं हुआ है रस्ते से, इसलिए जैसे।
सो अभी जो है हम हमारे घर की तरफ मुड़ चुके हैं, यानी कि मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ हमारे रूम की तरफ। मेरे रूम में जिस तरफ है सब यहाँ पर पास में जो है साइबर कैफे, जैसे कि आपको बोला मैंने पेन ड्राइव में मुझे साफ करवाना था, मेरा पेन ड्राइव शायद करप्ट हो रहा है या वायरस चला गया। तो भैया बोले थे करप्ट हो रहा है पेन ड्राइव, तो मैं छोड़ कर गई थी, तो उनके दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। देखते उनके दोस्त आ गए हैं, तो आ गए हो तो हम पेन ड्राइव लेकर चले जाते, अगर नहीं तो फिर तो पेन ड्राइव गया काम से। ये दुकान है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली अभी हम आ चुके हैं वापस, सामान तो हमें मिला नहीं, फेस वॉश भी नहीं मिला और सनस्क्रीन भी नहीं मिली। सभी यहाँ पर इंतज़ार करते हैं भैया के दोस्त का आने का, अभी वो आएंगे और हमारे पेन ड्राइव को देखेंगे कि क्या हुआ है, मतलब हमारा फॉर्मेट नहीं हो रहा था मेरा पेन ड्राइव। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और भैया जो है यहाँ पर जो है जो दो अंकल थे उनके लिए जो टिकट बुकिंग कर रहे थे, तो हमें जो है भैया का इंतज़ार करना है, देखते भैया आकर क्या कहते हैं। सो अभी भैया तो कहा था कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम फेस वॉश फिर से पूछ लेते हैं, साइबर कैफे के साइड में ये दुकान है। तो अंकल को हमने पूछा तो अंकल ने कहा कि हमारे पास भी 75 रुपीज़ का ही है। तो तभी मैं घर पर आ गई, तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे ऊपर की तरफ लाइटिंग लगाई हुई है, तो आपको मैं कैमरा पीछे घुमाकर दिखा देती हूँ। सो ये देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है, यानी कि दिवाली की यहाँ पर सभी के घर पर लाइटिंग होती है। सो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी सी लाइटिंग यहाँ पर लगाई है। ये रहा वो पेन ड्राइव जिसमें से मुझे जब अपना पूरे वीडियो पूरे डाटा मुझे फॉर्मेट मारना पड़ा, काफ़ी मतलब कितना मेहनत लगा थी इसमें वीडियो डालने को मुझे। तो चलिए कुछ नहीं, तो अभी क्या करें, जो हो गया सो हो गया। सो ये देखिए ये दोनों चीज़ें जो मैंने परचेस किए, वे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र और आयुर्वेद का पील ऑफ मास, ये दोनों मुझे मिल गए फाइनली। और मेरे जो बाकी के सामान थे वो मुझे मिला नहीं, मगर ये दोनों जो है मुझे मिल ही गए फाइनली। तो चलिए आगे वीडियो पर बने रहे, यानी कि ब्लॉग पर कंटिन्यू रहे। आज के दिन जो है तुलसी का जो है शादी होती है, उनकी शादी कराई जाती है तुलसी जी की कृष्णा जी से, तो भी उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सो यहाँ पर जो है अंकल खड़े हैं, हमारे मराठी तौर से यहाँ पर जो है उनकी शादी की जाती है, तो दुपट्टा यहाँ पर पकड़ना होता है दोनों तरफ से, तो अंकल यहाँ पर दुपट्टा पकड़े हुए है और हमारे हाथों में आपने अक्षन देखा ही है। सभी जो है मंगलाष्ट हो रहे थे, 7 मंगलाष्ट होने के बाद जो है हमें तुलसी जी का विवाह का पूरी विधि के साथ हमने जो पूरा शादी उनकी जो है कम्प्लीट की। सो अभी जो है सावधान, जो लास्ट में जो है हमें सावधान बोलना पड़ता है लास्ट के। सो सारी अभी सातों के सातों भी भीड़ हो चुके हैं, अभी जो है हम आरती करेंगे पूरी तुलसी मैया की और कृष्ण जी की, और जो है प्रसाद दिया जाएगा, अलग अलग तरह की यहाँ पर आरतियाँ होती है। सो वो आरती अभी हमें करनी है। और ये देखिए फटाके अब यहाँ पर, मतलब तुलसी जी की शादी होने के बाद हमें फटाके भी फोड़ने, जैसे कि हमारी नॉर्मल शादी हमें करते हैं, हम शादी के बाद फटाके फोड़ते हैं, बैंड बाजा गाना वगाना सभी हम जो है फटाके फोड़ेंगे इसके बाद। सो अभी जो है फिलहाल आरती की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी हमें इसके बाद हमें गणेश वंदना करनी है, तो चलिए अभी गणेश वंदना करते हैं। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उठ सेंदुराची, कंटी झळके माळ मुक्ता पराची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव। रत्ना तुझ गौरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उठी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुमझुम तीनु पुरे चरणी घागरिया, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव। रमणीच्या घागरिया रुमझुम वाजती, ते ते नाचे देवा अंबर गर्जती, तात्या तंकत तंकत नाचे गणपती, शंकर पार्वती कौतुक पार्वती, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव। दंबोदर पीतांबर परिवर वंदना, सरसोन वक्र तुंड त्रिवेणा, दास रामाचा वटवाए सजना, संकष्टी पाळावे निर्मणी रक्षावे, सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कौमी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव। देखिए यहाँ पर फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारे तुलसी जी का, मतलब सामने सारे सामान रखा गया है उनका, साल सिंगा सारा प्रसाद वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और देखिए तुलसी जी के सामने ठीक लगाया हुआ है बोर्ड, बोर भाजी आवड़ा कृष्णदेव सावड़ा, जो कि हमारे मराठी में बोला जाता है। सो कृष्णदेव जी के सावले थे इसलिए बोला जाता है बोर भाजी आवड़ा कृष्णदेव जी सावड़ा। यहाँ पर देखिए हमारे तुलसी जी को सजाया हुआ हुआ है मस्त, उन्हें चुनरी पहनाई हुई है मंडप की जगह पर, उन्हें जो है यहाँ पर जो हमारी जौहरी की जो ये होती है वो खोप यहाँ पर उन्हें लगाई गई हुई है। सो
यहाँ पर जो है उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है। सामने के घर में भी अभी विदिया शुरू है, सो हमारी हो चुकी है। तो अभी ये हम फटाखा फोड़ने की बारी है, हमारे यहाँ की शादी हो चुकी है कम्प्लीट। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर जो लास्ट में हमें फटाखा फोड़ दिया। सो दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताया कि मुझे बाहर जाना था, तो मैं दोपहर में नहीं जा पाई, मोबाइल चार्ज नहीं था, तो इसे चार्जिंग पे लगाया। दिन थोड़ा देर जो मैं रेस्ट करने के लिए बैठ गई, तो इसलिए जैसे मैं बाहर नहीं गई पाई थी। सो जो अभी 6 बजे मैं बाहर गई थी, तो मुझे आप लोगों को जैसे मैंने बोला था ये वीडियो में स्टार्टिंग में कि मुझे मेरे पेन ड्राइव में एंटीवायरस मार के लेना है, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं उस शॉप पर गई, तो शॉप वाले भैया बोले कि वीडियो मतलब इसमें जो वीडियो है वो सारी की सारी करप्ट हो चुकी है, तो ये जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इस सारे पेन ड्राइव को हमें जो क्या है फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो भैया ट्राई किया फॉर्मेट मारने का, तो मगर उनसे हुआ नहीं। सो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके आओ, उनका दोस्त आएगा तब वो मुझे मार कर देंगे। सो मैं बाहर गई थी उसके बाद, तो वहाँ पर मुझे जो है फेस वॉश लेना था। जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि मुझे फेस वॉश लेना है, सो मुझे बड़े सैसे में लेना था, तो क्योंकि जो बॉटल वाला होता है तो उसका ढक्कन जो निकल जाए तो वो खराब हो रहा है, मेरा ऐसे 2 बार हो चुका है। सो मुझे जो है बड़ा वाला लेना था, मगर वो मुझे मिला नहीं। मैंने काफ़ी 2-4 दुकानें देखी, और आज सैटरडे की वजह से हमारे दारवे में जो है सारी मेडिकल शॉप बंद होती है, तो वहाँ पर तो मैं देख ही नहीं पाई। काश अगर आज मेडिकल शॉप बंद होती तो शायद मुझे मेरा फेस वॉश मिल जाता। सो मगर मेरे मिला नहीं, तो कल देखते हैं क्या मिलता है या नहीं मिलता है। सो वहाँ से फिर वापस आने के बाद मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह परचेस किया है मेरे सामान, और अभी वापस आई तो मैं कंप्यूटर शॉप उसके वहाँ पर रुकी थी मैं, और भैया को पूछा तो दूसरे भैया आए, उन्होंने हमको इंतज़ार करना पड़ा मुझे थोड़ी देर। सो उन्होंने कहा कि कोई फाइल वर्क करने वाली नहीं, मुझे पूरा पेन ड्राइव फॉर्मेट मारना ही मारना है। सो मैंने अपना पूरा पेन ड्राइव में जितना डाटा था, जितना वीडियो, तो सब कुछ मुझे जो है फॉर्मेट मारना पड़ा। मतलब जो कुछ भी वीडियो मैंने इतने अच्छे से अच्छे फोटोज़ वीडियोस थे, वो सारे मुझे डिलीट करने पड़े, मुझे फॉर्मेट मारना पड़ा, क्योंकि मेरी कुछ फाइल जो है करप्ट हो चुकी थी, उसकी वजह से मेरा पेन ड्राइव वर्क नहीं कर रहा था। सो ये सब कुछ रहा आज के पूरे ब्लॉग में। सो आशा करूँगी आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।